चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर है, डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने की मांग का मामला। अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा के बाद एक नया मोड़ आया है। जोधपुर के लगभग एक दर्जन पेट्रोल पंप मालिक और डीलर हड़ताल पर नहीं है और आज भी खुले हैं जोधपुर के काफी पेट्रोल पंप। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के लेटर पैड पर यह पत्र लिखा गया। जोधपुर के जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर सूचना दी गई, कहा अनिश्चितकालीन हड़ताल के हम निम्न पेट्रोल पंप के डीलर इसमें शामिल नहीं होंगे। जोधपुर के पेट्रोल पंप की हड़ताल का कोई असर जोधपुर में फिलहाल नजर आ नहीं रहा है क्योंकि अधिकांश जो पेट्रोल पंप से वो खुले हुए हैं। देखिए ये पत्र की एक तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं, डीजल और पेट्रोल पर वैट कम करने की मांग को लेकर जो अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रदेश भर में शुरू हो गई है उसमें जोधपुर में खास असर उसका नजर नहीं आ रहा क्योंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा के बाद उसमें एक नया मोड़ आया। लगभग एक दर्जन पेट्रोल पंप मालिक हैं जोधपुर के, कुछ डीलर्स भी इनमें हैं जिनकी हड़ताल के साथ में उनकी जो साझेदारी है वो नहीं रहेगी। आज भी जोधपुर के काफी पेट्रोल पंप खुले रहे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने एक पत्र बाकायदा जोधपुर के जिला कलेक्टर को लिखकर इस चीज की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है प्रदेश में लेकिन हम निम्न पेट्रोल पंप डीलर इसमें शामिल नहीं होंगे और कुल मिलाकर के जोधपुर में पेट्रोल पंप की हड़ताल का असर नजर नहीं आ रहा। राजस्थान में वैट की वजह से ट्रक और जो बस संचालक है उनकी ओर से इस मांग को उठाया गया। वो कहते हैं कि दूसरे राज्यों से पेट्रोल कंपैरेटिवली पेट्रोल डीजल उन्हें सस्ता मिलता है लेकिन कुल मिलाकर के जोधपुर की जानकारी आपको दे रहे हैं, पेट्रोल पंप की हड़ताल का जोधपुर में असर नजर नहीं आ रहा क्योंकि एक दर्जन पेट्रोल पंप से बाहर।